हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। कहो कैसे हो आप सब। टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चली गया कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो होने वाला है एक कोलाब वीडियो, और एक कोलाब करने वाली हूँ मैं मेरी क्यूट सी दी क्षमा के साथ। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो रहती है यूके में, है तो इंडिया की, रहती है यूके में है। और हम लोगों की फ्रेंडशिप काफ़ी पुरानी है, जब से मेरा चैनल है तब से हमारी और दी की फ्रेंडशिप है। सो आप भी देखिएगा, हमने इस लुक को क्रिएट किया हुआ है। हम इंडिया में हैं तो हमने ट्रेडिशनल लुक को क्रिएट किया हुआ है, और वो बाहर रहती हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से इस लुक को क्रिएट किया हुआ है। तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए देखिए। अगर आपको हमारा कोलाब पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये एक चैलेंजिंग वीडियो है, माई मोस्ट एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स करके, और ये आइडिया दी का ही था। बहुत टाइम पहले उन्होंने मुझसे शेयर किया हुआ था, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तब मेरे पास उतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं थे, और अभी जब है तो हमने कहा चलो ठीक है हम क्रिएट करते हैं। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए, उन सबका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, तो अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। काफी सारे लोग बोलेंगे दी लिपस्टिक की वजह से लुक थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग बोलेंगे लिपस्टिक रेड होती तो अच्छी लगती। यार रेड मैं काफी बार रेड लगा चुकी हूँ, इसलिए मैंने रेड स्किप कर दिया है। मैंने काफी प्यारा सा न्यूड शेड लगाया हुआ है, यह मैक की रूबी, सॉरी मैक की मेहर शेड, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं सोच रही थी इस कान की ज्वेलरी मेरी गिर गई है, तो वही लेकिन है। सो चलो देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे। टोनर तो हमारे पास है नहीं ज्यादा एक्सपेंसिव में, तो हम उसके लिए यूज करने वाले हैं मेकअप प्रिप प्लस प्राइम फिक्स। इसे आप एज अ मेकअप फिक्सर एंड एज अ प्राइमर आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्किन को प्रिप करने के लिए इसे यूज कर रहे हैं, और मेरा जो शेड है वो है गोल्ड लाइट। ये देखिए, बात बारी आती है मॉइस्चराइजर की। तो मॉइस्चराइजर में मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर जो है वो है मैक का प्रेप प्लस प्राइम मॉइस्चराइजर इन्फ्यूजन सीरम हाइड्रेंट। कुछ इस तरीके से है इसकी पैकेजिंग, और इसकी प्राइस है 3,750 रुपीज। ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, और इसको मैंने मैक के स्टोर से लिया था। तो थोड़ी सी क्वांटिटी इतनी सी लेनी होती है, और फेस को काफी अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर देता है। अभी मेरा खत्म होने वाला है, मुझे मंगाना है, और अभी purple.com पे भी ये अवेलेबल है। तो इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ इन सब प्रोडक्ट को यूज करके मेकअप लुक क्रिएट करते हो तो काफी लॉन्ग स्टे करेगा, और ड्राई पैचेस भी नहीं आएंगे। बस हो गया। अब बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर में मेरे पास है, ये है बेनिफिट का, बेनिफिट द पोर प्रोफेशनल प्राइमर है ये, ब्रेक इन पोर एमरजेंसी, और ये सबसे एक्सपेंसिव है प्राइमर हमारे पास। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, 50 ml की प्राइस है 2,720 रुपीज। मैंने फुल वाली ली थी, इसकी छोटी भी आती है जो कि अफोर्डेबल में आपको मिल जाएगी, बट मैंने एक कुछ इस तरीके से है। इसका कलर थोड़ा सा अलग होता है, देखिए इतना सा ले रही हूं मैं। वैसे जो मैंने प्रिप प्लस प्राइम फिक्स लगाया था वो भी एज अ प्राइमर वर्क करता है, जो मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था वो भी एज अ प्राइमर वर्क करता है, बट फिर भी मैं अच्छे से अपने बेस को प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इस प्राइमर का यूज किया हुआ है। अब बारी आती है किसकी,
स्ट्रोप क्रीम की, तो स्ट्रोप क्रीम के लिए मैं यहाँ पर मैक का स्ट्रोप क्रीम यूज करी और काफी एक्सपेंसिव है। इसकी प्राइस है 3200। तो मैं यहाँ पर माय मोस्ट एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट ही यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रही हूँ, एक चैलेंजिंग वीडियो है। आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि किसके साथ मैं चैलेंज वीडियो करने वाली हूँ। तो मैं इसमें जो शेड है वो है पिंक लाइट। स्ट्रोक क्रीम आपके फेस को काफी अच्छी तरीके से ग्लोई ग्लॉसी बना देती है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो मेरे पास यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव में 3 फाउंडेशन है। फर्स्ट तो है हुडा ब्यूटी का, जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। मेरी स्किन को मतलब काफी ज्यादा, जब मैं इसे लगाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरी स्किन जल रही है। तो मैंने इसे सिर्फ एक बार ही यूज किया हुआ है। इसकी प्राइस है, मैं आपको देख के बता देती हूँ, 3310 रुपीज। तो इसे मैं नहीं यूज करने वाली। इसके बाद मेरे पास है मैक का स्टूडियो स्कल्प्ट फाउंडेशन और इसकी प्राइस है 3600। इसके बाद है मेरे पास मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन और इसकी प्राइस है 2900। तो मैं यहां पर यूज करने वाली हूँ इससे, इस स्टूडियो स्कल्प जो है मेरी स्किन के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन वालों के लिए ही है ये। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। पता नहीं कैसे वाटरी सा हो गया है, जबकि इसकी एक्सपायरी डेट है अभी 2 साल बाद, बट फिर भी पता नहीं कैसे, मुझे कंप्लेन करनी है। देखती हूँ, शायद आज ही कर दूँ। तो इतना सा मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा और ले ले रही हूँ। अब एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे सबसे पहले कुछ इस तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि ड्राई पैचेज ना आए। इसके बाद पूरे फेस पे डॉट डॉट करके रात के 11 बजे मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। अब मैं यहाँ पर ब्रश ले रही हूँ, थोड़ा सा इसे डाल दूंगी ब्रश पे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और इसको ब्लेंड कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रहे हैं ताकि स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। बेकिंग के लिए मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का इजी बेक लूज पाउडर यूज कर रही हूँ और यही है मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, ₹2955 है। और इसको मैंने जितने भी लोगों से सुना था, सब काफी ज्यादा इसके बारे में अच्छा अच्छा बता रहे थे, इसलिए मैंने मंगाया था। मेरा जो सेट है बनाना ब्रेड और एक सच में काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया। तो इसकी हेल्प से हाइलाइटिंग पर्पज से मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ और इसलिए भी लगा रही हूँ ताकि जब भी मैं आई शेडो लगाऊँ कोई फॉल आउट हो तो मैं क्लीन कर पाऊँ।
ओके यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर बस। अब आईब्रो फिल करने के लिए मेरे पास जो मोस्ट एक्सपेंसिव में है वो है बेनिफिट की ग्रो पेंसिल, मोस्ट एक्सपेंसिव में मेरे पास यही है और ये भी काफी अच्छी है, खत्म भी होने वाली है, तो इसकी हेल्प से हम हमारी आईब्रो फिल कर ले रहे हैं। सेट हो गई आईब्रो और काफी लॉन्ग स्टे करती है आपकी आईब्रोज पे। मोस्ट एक्सपेंसिव आई शेडो पैलेट में मेरे पास दो ब्रांड हैं जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है मेरे पास, एक रूट कॉस्मेटिक का और एक हुडा ब्यूटी का। तो मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी न्यूड आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 5375 रुपीज, तो कुछ इस तरीके से है। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, तो मैं यहाँ पर न्यूड कलर, ऑब्वियसली न्यूड कलर की ही तरफ जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टीज शेड को पिक कर रही हूँ, यह है टीज शेड, और इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ से उठा के इस तरीके से ब्लेंड करते हुए ले आएंगे। तो कुछ इस तरीके से इस कलर को आपको डार्क करते हुए जाना है। देखें, और इसी तरीके से हम इस आईज पे भी यहां से आपको स्टार्ट करना है, देन आपको ब्लेंड 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 करते रहना है इस तरीके से। अब इसके बाद हम पिक कर रहे हैं यहां से, ये है डे ड्रीम शेड, डे ड्रीम, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस कलर को हम यहां पर ऐसे लगा लेंगे। अब आपको एक कुछ इस तरीके से ब्रश लेना है, यहाँ से हम रॉ शेड पिक कर रहे हैं, एंगुलर ब्रश, ठीक है, रॉ शेड पिक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। ओके, अब स्पूली की हेल्प से हम सेट कर ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक्सटेंशन है। ओके, अब आपको एक ब्रश लेना है जो आपने बेकिंग की हुई है, इसे निकाल लेना है। देखिए आप, जहां पर आपने बेकिंग की है आपको वहां पर एक अलग ही दिख रहा होगा, एक कैसे एक्सप्लेन करूं मैं नहीं कर पाऊंगी, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रही हूं। ओके, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं यहां से इसी कलर को पिक कर रही हूं, डे ड्रीम को ही। एक छोटा सा ब्रश लेना है। अब मैं यहां से क्रेओ शेड पिक कर रही हूं और इस शेड को हम यहां पर लगाएंगे
ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। हो गया। अब हम यहां से इस कलर को लव बाइट पिक कर रहे हैं, लव बाइट कलर, और यहां पर हमें इसे कुछ इस तरीके से लगा के ब्लेंड करना है। ओके, अब बढ़ते हैं ब्रोंजर की तरफ। तो मेरे पास जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रोंजर है वो है हुडा ब्यूटी का, कहां पर रखा मैंने, होला। तो इस कलर को हम ले रहे हैं ब्रोंजर ब्रश की हेल्प से, ऐसे पाउट बनाना है। और येलो ब्रश मेरा टूट गया। पाउडर बना के बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए जो मेरे पास मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लश है वो है बेनिफिट की, बेनिफिट का। वैसे इसका जो महंगा वाला आता है वो 5000 का है, एक मिनी वाला है, तो ये थोड़ा सा आपको मिल जाएगा बजट में। तो स्माइल, इसके साथ में जो ब्रश मिला है मैं उसी की हेल्प से लगा रही हूँ। अगर आप हाईलाइटर ना भी लगाए ना तो आपको हाईलाइटर वाला लुक दे देता है। अब बारी आती है किसकी, हाइलाइटर की। तो मेरे पास जो मोस्ट एक्सपेंसिव हाइलाइटर है वो है मैक का ही। मेरे पास दो है, एक है स्किन फिनिश और एक है एक्स्ट्रा डेमिनेशन। तो मैं स्किन फिनिश यहां पर सिलेक्ट कर रही हूं क्योंकि मुझे जो एक्स्ट्रा डेमिनेशन है वो नहीं पसंद आता। तो एक ब्रश लेना है आपको, फैन ब्रश, जो भी ब्रश आपके पास हो आप ले सकते हो। तो इसको लेना है, एक्स्ट्रा निकाल देना है। ये आपको काफी सॉफ्ट सा लुक देता है। नोज को हाईलाइट कर लेना है यहां पर थोड़ा सा। इसके बाद ओके, पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहां पर यही यूज कर रही हूं। मैं यहाँ पर काजल आईलाइनर नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि वाटरप्रूफ चीज मैं नहीं लगा सकती, नहीं तो मेरा एक्सटेंशन जो है निकल सकता है। अब बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक के लिए मेरे पास मोस्ट एक्सपेंसिव लिपस्टिक में से हुडा ब्यूटी है, मैक है। तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली मैक की ही तरफ बढ़ूंगी। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये है मैक की सेड मेहर मैट लिपस्टिक, छोटी वाली पैकेजिंग। मेरे पास मैक की काफी सारी लिपस्टिक्स हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर मिहर यूज कर रही हूँ। लिप बाम मैंने लगाया हुआ था उसी के ऊपर मैं लगा ले रही हूँ। मेरे
पास इनकी रूबी ऊ भी है, तो देखती हूँ कहाँ है वो, मिल नहीं रही है। बिंदी लगा लेते हैं और सिंदूर लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो फैमिली, ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है प्लीज बताना जरूर। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हाँ जी, मोस्ट एक्सपेंसिव मेगा प्रोडक्ट्स था, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनूं, ओरिजिनली पहन लेती हूँ। सो ये था मेरा आज का वीडियो, अब दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव गाइस।